हनुमान जी ने बोला शर्त है, मैं बिना भक्ति भक्ति के रह नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण बोले वहां लड़ाई होगी कि सत्संग होगा? उसने बोला शर्त यही है, वहां तो हमारे राम जी भी हमारे को लड़ाई के बीच में भी ज्ञान देते थे। कृष्ण भगवान ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा भी काम करते हैं, चलो सही, मेरे सर पर ही बैठ जाना, लेकिन चल। तो कहते हैं कि हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन के नाम रथ का नाम कपि ध्वज रखा गया। राइट, कहते हैं कि अर्जुन का तो बहाना था, भगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। अर्जुन का तो बहाना था, भगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। अब ध्वजा में जब हनुमान जी विराजमान हुए तो कहते हैं कर्ण का रथ और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। अब कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन अर्जुन जब तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता था। तो अर्जुन भगवान को बोलता था नीचे देखो हमारा रथ नहीं हिल रहा, भगवान बोलते थे नीचे नहीं ऊपर देखो। तुम ऊपर इसलिए हो रथ के क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई और है। तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई और है। कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है कि हमारा रथ हमारी वजह से नहीं हिल रहा, तो ये भ्रम कभी ना आए, ये ग्रेटिट्यूड हमेशा रहे कि आप सफल इसीलिए हो क्योंकि वो ऊपर है। कहते हैं जब युद्ध खत्म हो गया तो अर्जुन को भगवान ने कहा अब उतरो रथ से। अर्जुन ने बोला पहले आप क्यों नहीं उतरते? उसने बोला पहले तू उतर। अर्जुन को रथ से उतारा गया, भगवान कृष्ण ने खुद रथ से उतरे। फिर तीसरे में हनुमान जी को इशारा किया कि आपका रोल समाप्त है। जब हनुमान जी उतरे तो कहते हैं रथ में आग लग गई, रथ धूं धूं करके जल गया। अर्जुन ने बोला रथ कैसे जल गया? बोला जल तो बहुत पहले चल चुका था, ये तो बचा रखा था उसने। रथ तो तेरा बहुत पहले जल गया था, ये तो जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी संपदा प्राप्त करें, पैसा बनाएं, आगे बढ़ें, TSS के अंदर जिंदगी बनाएं, तो कभी भी अहंकार की भावना अपने अंदर मत आने देना। बड़े बड़े लोगों को डुबो दिया इसलिए। बात समझ में आ रही है तो बोले हाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो?